हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और क्रिप्टो बार के मॉर्निंग अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस मॉर्निंग अपडेट में हम इथेरियम क्लासिक के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और थोड़ा सा कवर करेंगे मार्केट को भी, क्योंकि इथेरियम क्लासिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग अपडेट में इथेरियम क्लासिक को कवर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन करें, इंस्टेंट अपडेट्स और जो भी कॉल्स होती है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर की जाती है। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। तो आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये है इथेरियम क्लासिक यानी कि ETC, बहुत सारे लोगों का फेवरेट और साथ ही साथ मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट कॉइन है। रैंक इसकी अभी चल रही है 28,271,561 लोगों की निगरानी में है ये कॉइन, और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये वर्क करता है और अभी 2% के करीब अप चल रहा है लास्ट 24 आवर्स में। और यहाँ पे अगर आप एक खास चीज देखेंगे तो इसका 1 ईयर का लो हाई हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप इसका अगर लोवेस्ट प्राइस देखेंगे 1 ईयर में तो 350 रुपीज़, और हाईएस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14,000 यानी कि 14,000 के करीब। तो 350 से 14,000 का सफर केवल और केवल एक साल में, यानी कि लगभग 40x यानी कि 40 गुना, एक साल के अंदर 40 गुना। ठीक है, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि ये कॉइन आपको अभी और कितना प्रॉफिट दे सकता है, और जिन लोगों ने इसको डाउन पे बाय किया है वो ऑल टाइम हाई की वेट कर रहे हैं, कब तक ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, और जिन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ऊपर भी बाय किया हुआ है तो उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ऑल टाइम हाई की बात हो गई, अभी देखते हैं इसकी मार्केट कैप कितनी है। तो सबसे पहले हम इसको USD में कन्वर्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 7.4 बिलियन US डॉलर की इसकी मार्केट कैप है, और लास्ट 24 आवर्स में लगभग 34% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है, यानी कि प्राइस में इंक्रीज इसके देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, ऑल टाइम ग्राफ की अगर इसकी हम बात करते हैं तो ऑल टाइम ग्राफ भी आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं जूम, तो देखेंगे तो बहुत स्लोली स्लोली चलता रहा, लेकिन ये जो लास्ट वाला बुल रन था इसमें इसने बहुत ज़बरदस्त स्पाइक लगाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट सभी लोगों को दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जब इसका प्राइस लगभग 2000 था, यहाँ पे कहीं इसका प्राइस था। तो उस वीडियो के बाद जिसने भी इसको बाय किया था, मैंने सभी को वहाँ यही सजेस्ट किया था कि आप इसको प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए रखें, शॉर्ट टर्म इसमें ना समझे। ठीक है, तो जिसने भी इसको थोड़ा सा उस टाइम लॉन्ग टर्म रखा होगा, और वीडियो के अपलोड होते ही लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इसका प्राइस हो गया था 14,000। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि इतना जबरदस्त प्रॉफिट, तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। तो अभी थोड़ा और नीचे चलते हैं। व्हाट इज इथेरियम क्लासिक? तो इथेरियम क्लासिक एक हार्ड फोर्क है इथेरियम का, जो कि जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एबिलिटी टू होस्ट एंड सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि डैप्स। इथेरियम पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डैप्स बनाए जाते हैं उन सब में इथेरियम क्लासिक का यूज होता है। ठीक है, तो इथेरियम डायरेक्ट ये काम नहीं करता, उसने इस काम के लिए इथेरियम क्लासिक को बनाया। अब इथेरियम क्लासिक को क्यों फाउंड किया गया और कब फाउंड किया गया? देखिए, यहाँ पे हैकर्स ने इथेरियम को हैक कर लिया था और 3.6 मिलियन इथेरियम चोरी कर लिए गए थे। तो उसके बाद गेविन वुड एंड विटेलिक बुटरन ने बहुत सोचा, और सोचने के बाद फिर इथेरियम क्लासिक को बनाया, और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल इथेरियम को बनाया जाए, तो उसके बाद इथेरियम क्लासिक को इन्होंने फाउंड किया। अभी विटेलिक बुटरेन को आप सभी जानते होंगे कि इथेरियम के को फाउंडर हैं, और अभी आजकल वही इथेरियम को संभाल रहे हैं। और गेविन वुड कौन है? तो चलिए मैं गेविन वुड भी दिखाता हूँ। गेविन वुड है पोलका डॉट के क्रिएटर, पोलका डॉट एंड कोसामा के क्रिएटर है गेविन वुड, और साथ ही साथ इथेरियम के को फाउंडर भी रह चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गेविन वुड जेम्स इज एन इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, को फाउंडर ऑफ इथेरियम एंड क्रिएटर ऑफ पोलका डॉट एंड कोसामा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पोलका डॉट पे आप स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको तब से बोलता रहा हूँ जब पोलका डॉट 1,000 रुपये का हो गया था मार्केट क्रैश में, तो उस समय से मैं आपको बोलता रहा हूँ कि सोलाना, पोलका डॉट एंड इथेरियम क्लासिक पे आप फोकस रखें, क्योंकि ये कॉइन वो कॉइन है जो आपको बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दे सकते हैं। और सोलाना ने आप देखे कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, और अभी पोलका डॉट की बारी है, पोलका डॉट भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, और इथेरियम क्लासिक भी ऐसा प्रॉफिट देगा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये हुआ गया। ठीक है, तो ये है गेविन वुड, और ये तीन लोग थे, चार्ल्स होस्किंसन थे, गेविन वुड एंड विटेलिक बुटरिन।
अब इन तीनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुआ वो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी तीनों अलग हैं। विटेलिक बुटन ने इथेरियम को संभाल रहे हैं और गेविन वुड पोलकाडोट एंड कोसामा को, और चार्ल्स हॉस्किंसन ने क्रिएट किया कार्डानो। ठीक है, कार्डानो के जो सीईओ है वो है चार्ल्स हॉस्किंसन, तो इसीलिए कार्डानो का भी नाम टॉप लिस्टेड है। रैंक भी आप देखेंगे, फोर्थ रैंक पे अभी विराजमान है कार्डानो, थर्ड पे बीएनबी आ गया है और सोलाना नंबर सिक्स पे आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोलाना की मार्केट कैप बढ़ रही है और पोलकाडोट भी एट्थ रैंक पे है। ठीक है, तो पोलकाडोट भी पीछे नहीं है। और रही बात इथेरियम क्लासिक की, इथेरियम क्लासिक अभी 28 पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो अभी चलते हैं हम वजीर एक्स पे ETC के चार्ट पर, यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें समीकरण बन रहे हैं। तो दोस्तों ये है इथेरियम क्लासिक का 1 आवर का चार्ट, और कल जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई थी तो इथेरियम क्लासिक यहाँ तक आ गया था, 4278 तक इसका प्राइस ड्रॉप हो गया था और अभी वापस से फिर से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। और अभी इस बार उम्मीद है कि प्राइस काफ़ी ऊपर तक जाएगा जैसे कि इथेरियम चल रहा है। तो इसको हम एक बार 4 आवर के चार्ट पे भी देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो 4 आवर के चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। तो जब तक यहाँ से ऊपर एक न्यू कैंडल नहीं बनती तब तक प्राइस इसी के नीचे घूमता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ एक न्यू कैंडल बनती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और या अगर प्राइस वापस से नीचे की तरफ ड्रॉप होता है तो आप तब इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अगर प्राइस नीचे ड्रॉप होगा तो कितना हो सकता है, प्राइस आ सकता है वापस से यहीं पर। तो अगर आपको यहीं पे प्राइस मिले 4270 के आसपास तो आप इसको अगेन बाय कर सकते हैं, और अगर और ज़्यादा डिप जाती है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको और ज़्यादा बाय कर सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे की तरफ अभी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी आ जाए 4060 के अराउंड, तो आप अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो इसको अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ है हाई प्राइस पे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इथेरियम क्लासिक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है क्योंकि इथेरियम ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर चुका है, और कभी भी इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। और जो लास्ट वाला ये जो बुल रन था जिसमें इथेरियम क्लासिक ने 14,000 का ये हमें टारगेट दिया था, तो ये भी सेम वही अभी सिचुएशन चल रही है जैसे लास्ट टाइम चली थी, यानी कि जब लास्ट टाइम इथेरियम बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ गया था, लगभग 334 का उसने ऑल टाइम हाई बनाया था 3,34,000 का। तो सेम उसी टाइम की बात है जब इथेरियम क्लासिक ने भी अपना ये ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। तो अभी बहुत जल्दी ही ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ को भागने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया तो जो बाइंग जोन मैंने आपको दिया है वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपके पास ये है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने इसको इतने टाइम होल्ड रखा तो थोड़ा सा टाइम आपको और वेट करना पड़ सकता है, और जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा वापस पॉजिटिव मोड में आता है तो वापस से इथेरियम एंड इथेरियम क्लासिक और बाकी सभी अल्ट कॉइन्स वापस से बूम करना शुरू कर देंगे। और अभी आप देखेंगे रात से अभी तक काफ़ी कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ब्लास्ट कर रहे हैं। रियून देखिए यहाँ पे 32% अप है, मैटिक भी इंक्रीज़ हो रहा है, WRX भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेट भी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। सोलाना को देखिए, सोलाना कितने ऊपर जा रहा है। रात के लाइव सेशन में मैंने बताया था कि सोलाना अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी ही ब्रेक करने वाला है, और अगेन इसने अपने ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर लिया है, तो कभी भी ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है। तो अभी चलते हैं हम बिटकॉइन पे, बिटकॉइन का थोड़ा सा आपको हालचाल बता दिया जाए कि बिटकॉइन में चल क्या रहा है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे आप देखेंगे डेली कैंडल है और बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी है जो कि थोड़ा सा खतरे का निशान है हम सभी के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल जो बनी है बेयरिश कैंडल, तो ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकती है। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि किसी भी कॉइन में आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस लगाए करें। अभी वो कंडीशन फिर से आ चुकी है कि आपको स्टॉप लॉस का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल है, जब तक यहाँ से अगेन एक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती या फिर प्राइस इस रेड कैंडल से ऊपर तक नहीं जाता तब तक हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड ना करें, बार बार आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस यूज़ करें, तो स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।